अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी। और एज एन एडवोकेट मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने लगी हूँ जो थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल भी लगेगा और आपको ये भी लगेगा कि ये कैसी बात है। आजकल जो हम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ट्रेंड चल रहा है कि डाइवोर्स होती है तो लड़कियाँ खुशी से केक काटती हैं या कोई पार्टी थ्रो करती हैं और अपनी खुशी का इजहार करती हैं। तो कुछ इसको बहुत नेगेटिव लिया जा रहा है, कुछ इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है, कुछ फेमिनिस्ट और लिबरल और इस तरह की भी चीज़ें उस पर लगाई जा रही हैं। कमेंट्स में हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि हम जिस भी टाइम में या जिस भी प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका खमियाजा जो भुगत रहे होते हैं वो उस बंदे से ज़्यादा कोई नहीं जानता जिसपे वो बीत रही होती है। दूसरी बात, तलाक किसी की मर्जी से या अपनी खुशी से नहीं ली जाती। हालात ऐसे हो जाते हैं, वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से तलाक लेनी पड़ती है किसी भी लड़की के लिए। इवन मैं ये कहूँगी कि किसी भी लड़के के लिए घर टूटना दोनों की सेम सिचुएशन होती है। ना लड़का चाहता है कि उसका घर टूटे, ना ही लड़की चाहती है कि उसका घर टूटे। दोनों के माँ बाप ने उतनी ही मेहनत की होती है अपने बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, लिखाने में, उनकी शादियाँ करने में जितना खर्चा किया होता है दोनों पार्टीज़ का बराबर का होता है। दोनों पार्टीज़ बराबर के एफर्ट्स भी करते हैं। हाँ, समटाइम किसी एक पार्टी का ज़्यादा होता है। हम अक्सर ही देखते हैं कि फीमेल्स का रोल या उनकी बर्दाश्त या उनका सब्र ज़्यादा होता है। इसके बावजूद बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं कि लड़की तलाक नहीं लेना चाहती लेकिन मजबूरन या तो वो तलाक की तरफ जाती है या खुलाक की तरफ जाती है। और दूसरी बात, शादी के बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता तलाक लेने का या खुला लेने का। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल आते हैं, अगर आप किसी तकलीफ़ से बाहर निकल आते हैं, अगर आप किसी परेशानी से बाहर निकल आते हैं तो डेफिनेटली आप खुशी मनाते हैं। तलाक अल्लाह ताला का बहुत ही नापसंदीदा अमल है, लेकिन जहाँ पर दो लोग इकट्ठे नहीं रह रहे होते वहाँ पर या तो तलाक हो जाती है, खुला हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, बच्चे जलील हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है, हम लोग ये नहीं देखते कि ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे किस तरह से सरवाइव करते हैं। एक मुश्किल दौर से बाहर निकल कर आकर अपनी लाइफ को दोबारा से सेट करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी की लड़कियाँ जो जिनके लिए कहा जाता है एक भेजी थी दो या तीन वापस आ गए हैं। पंखा कम चलाया करो, बिजली का बिल आता है, खाना थोड़ा खाया करो, राशन बहुत लगता है। तो इस तरह की बातें जहाँ अगर उनको सुनने को मिलती है तो मेरे ख्याल से अगर वो सेलिब्रेट कर लेती हैं अपनी तलाक को और वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बजाय इसके कि वो अपने शोहर से मार खाएं, बजाय इसके कि वो सास ससुर के या फैमिली के ताने सुने, बजाय इसके कि वो एक क्योटिक लाइफ गुजारें कि जिसमें उन्हीं को ब्लेम किया जा रहा हो, हर एक मोमेंट पर उनको ये बताया जा रहा हो तुम्हारी वजह से ये हुआ था, तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, तुम्हारी वजह। किसी भी लड़की का दिल नहीं करता कि उसका घर टूटे, किसी भी लड़के का दिल नहीं करता। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों पर बर्डन होता है, लड़कों पे भी उतना ही बर्डन होता है, स्पेशली जब लड़कों की शादी होती है, एक तरफ माँ खींच रही होती है, एक तरफ बहनें खींच रही होती हैं, एक तरफ बीवी खींच रही होती है, तो उन तीनों रिलेशंस को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है तो उसको सेलिब्रेट करने से मत रोके, क्योंकि जितनी वो रोई होगी, जितनी उसने तकलीफ बर्दाश्त की होगी, जितनी उसने मार बर्दाश्त की होगी, अगर वो ज़िंदा उस घर से निकल आई है तो उसको खुशी मनाने का हक है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी लाश निकले तो फिर तो आपको कहना चाहिए कि हाँ, तुम अगर मरी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। तो थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र को जगह दें
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी एंगल से एक चीज़ देख रहे हैं तो वही एंगल ठीक होगा। किसी दूसरे के एंगल को, किसी दूसरे के थॉट को भी समझने की कोशिश करो। तलाक इट्सेल्फ इजी नहीं होती। आप सिर्फ एक फैमिली से नहीं लड़ते, आप पूरी सोसाइटी से लड़ते हैं। आपने बच्चे अकेले पालने होते हैं, आपने बच्चों के लिए कस्टडी लड़नी होती है, आपने बच्चों के खर्चे के लिए लड़ना होता है। आप जिन लोगों पे ये चीज़ नहीं गुजरी होती वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि उस सिचुएशन से बाहर निकल के ज़िंदा बच के आने का क्या सीन होता है। बहुत सी बच्चियां हम इस तरह के देखते हैं जिन पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है। आप अक्सर फिल्मों ड्रामों में भी देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में भी अब तो ये बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से चालें चली जाती हैं, किस तरह से जलील किया जाता है, छोटी छोटी बात को बड़ा बना दिया जाता है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, कभी ख़ुद को दूसरों की जगह रख कर देखें और फिर सोचें कि क्या होता है। ठीक, तो अगर कोई अपनी डाइवोर्स सेलिब्रेट कर रहा है और वो वहाँ ज़िंदा बचकर आ गई है, उस प्रॉब्लम से निकल आई है और सेलिब्रेट कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसको आपकी हमदर्दी, आपके प्यार की ज़रूरत होती है। वो जिस पेन से निकल के आई है उसमें उसको हमदर्दी की ज़रूरत है। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और कोशिश ये करें कि बिना सोचे समझे, बिना जाने उस बंदी की स्टोरी, उस लड़की की स्टोरी, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रही है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। नेगेटिविटी को प्रमोट करने के बजाय पॉजिटिव वे में देखें कि एक लड़की ज़िंदा बच के ससुराल से वापस आ गई है, मार खाने के बावजूद, सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद। अपना ख्याल रखिएगा।